This is lecture number 13 of Power Electronics course, and in this lecture we will discuss the fully controlled devices like BJT, MOSFET and IGBTs. Lecture number 3 or lecture number 4 में हमने power semiconductor devices के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने power diode के बारे में पढ़ा. Power diode के बाद फिर हमने SCRs को पढ़ा. हमने देखा कि पावर डायोड और SCR जो हैं आपके पास हाई पावर रेटिंग में अवेलेबल हैं, बट द स्विचिंग स्पीड इज़ लेस फॉर दीज डिवाइसेस. अगर हम इस कर्व को देखें तो ये वही डिवाइसेस का कर्व है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एक तरफ आपके पास पावर रेटिंग शो हो रही है और दूसरी तरफ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, के ये डिवाइसेस किस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं. अगर हम MOSFETs को पहले देखें तो MOSFETs जो है उनकी स्विचिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इनकी जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो कम है. अगर हम दूसरी एक्सट्रीम पे देखें तो आपके पास SCRs हैं, थायरिस्टर्स हैं, जो कि वेरी हाई पावर रेटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी स्विचिंग स्पीड जो है वो देखें वो काफ़ी कम है. इस लेक्चर के अंदर हम BJTs, IGBTs और MOSFETs के बारे में पढ़ेंगे. तो देखें, BJT जो है उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है इज़ ग्रेटर देन दी IGBT और MOSFET, लेकिन उसकी स्विचिंग स्पीड कम है. इस तरह IGBTs जो हैं वो BJT और MOSFET के दरमियान लाई करती हैं. तो इस कर्व को देखते हुए हम डिवाइस की सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर पावर कन्वर्टर, के उसकी क्या स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है और क्या पावर रेटिंग्स हैं, उसके लिहाज से फिर हम इन स्विचिंग डिवाइसेस को सेलेक्ट करेंगे. तो इस कर्व से ये बात देखने में आई है कि एज द पावर रेटिंग इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन डिक्रीजेज, तो आपके पास डिवाइस जो है वो स्लो है. जिस तरह हमने पहले दो लेक्चर्स के अंदर देखा कि हमारी डिज़ायर्ड है कि जब आप एक स्विचिंग कन्वर्टर बनाएंगे तो उसको हम जो स्विच लगा हुआ है उसको हम हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें, क्योंकि एडवांटेज मिलेगी जब हम स्विच को हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे इन द कन्वर्टर, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स सच एज कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, फिल्टर कंपोनेंट्स एंड ट्रांसफार्मर. जब ये सारे के सारे एलिमेंट्स का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा तो हमारे पास जो कन्वर्टर बनेगा उसका साइज कॉम्पैक्ट होगा, लाइट वेट होगा और पावर डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी कन्वर्टर की. दिस पिक्चर इज अ कॉमन पिक्चर ऑफ अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें हम देख सकते हैं कि वी वांट कि हमारे जो डिवाइस है वो स्ट्रांग हो, और लेकिन जब आप देखते हैं कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी या वो स्ट्रांग है तो डिवाइस जो है वो ऑन दी अदर हैंड स्लो हो जाती है. But our desire is to try to make this as fast as a racing horse. कि इस हाथी को जो हम एक racing horse की तरह चलाएं, ये हमारी जो है ख्वाहिश है कि हम इस तरह का operation इससे लें. और on the other hand, it should have a very intelligent driver जो कि इसको उसके अंदर ये वाले features पैदा करे as a racing horse. तो जो intelligent driver है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिहाज से अगर हम देखें तो हम ऐसा ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिहाज से जिसकी जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो और वो इंटेलिजेंटली और इजीली अपनी डिवाइस को ड्राइव कर सकें. बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंट डिवाइसेस, उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि एक डिवाइस का, दैट इज़ कॉल्ड द सेफ ऑपरेटिंग एरिया. ये कर्व जो है ये इस तरह शोन है इधर नीचे, ये एक MOSFET का कर्व दिखाया हुआ है सेफ ऑपरेटिंग एरिया. सेफ ऑपरेटिंग कर्व जो है ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो कि उसकी डाटा शीट के अंदर दी हुई होती है, और ये उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइस अंडर वेरियस कंडीशंस आपको बताती है. जैसे केस के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास ये वाला जो लाइन आ रही है ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है कि कितनी डिवाइस
ब्लॉक कर सकती है, इसी तरह ये इसकी करंट लिमिट है, और ये वाला जो स्लोप है ये इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है। तो ये कर्व जो है ये आपको सारी डिवाइसेस के लिहाज से, बीजेटीज के लिहाज से, मॉसफेट्स के लिहाज से, आईजीबीटीज के लिहाज से, उनकी डाटा शीट के अंदर दिया हुआ होता है, एंड दिस इज कॉल्ड अ सेफ ऑपरेटिंग एरिया। और ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया ये डिफाइन करेगा कि कौन सी वोल्टेजेस और करंट की क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जिसके अंदर डिवाइस विदाउट गोइंग इनटू द डैमेज ऑपरेट कर सकती है। क्योंकि अगर हम इस पावर लिमिट्स को एक्सीड करेंगे तो फिर डिवाइस जो है डैमेज हो जाएगी। इस लेक्चर के अंदर जो पहली डिवाइस हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ पावर बीजेटी, और पावर बीजेटी आपके पास जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये आपके पास एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। इसके तीन टर्मिनल्स हैं, वन इज़ दी बेस टर्मिनल, द अदर वन इज़ कलेक्टर टर्मिनल, एंड द थर्ड टर्मिनल इज़ एमिटर टर्मिनल। और ये जो एरो शो हो रहा है ये एमिटर को शो करेगा। हमारे इस लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन होगी वो एनपीएन डिवाइसेस पे होगी, बिकॉज के कंपैरेटिव ये जो पीएनपी है उसके लिहाज से अगर हम कंपेयर करें तो एनपीएन जो है इस इट हैज़ हाई करंट एंड वोल्टेज रेटिंग्स। फर्स्ट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो डेवलप इन 1948, और पहला पावर बीजेटी जो डेवलप हुआ वो 1960s के अंदर है। इस टाइम के अंदर बीजेटी वाज द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस बिकॉज के इट वाज द फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउड द फुल कंट्रोल ओवर द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ ऑपरेशंस। सो ये पावर बीजेटी जो है इसके अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आपके पास एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जो इसकी एक एन साइड है वो कलेक्टर के साथ कलेक्टर टर्मिनल है, जो पी टाइप आपके पास है ये बेस है, और जो दूसरा एन टाइप मटेरियल है दैट इज एमिटर। तो दिस डिवाइस इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट कंट्रोल डिवाइस इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब जब आप बेस पे करंट प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो करती है, और इट इज़ अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। होल्स फ्लो की वजह से जो इसको हम माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस कह रहे हैं। दिस पावर बीजेटी डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स सिग्नल लेवल काउंटर पार्ट अदर बीजेटी, बिकॉज के इसकी जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी है या ब्लॉकिंग वोल्टेज उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इसकी जो करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये आपके पास पावर बीजेटी का स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास ये फर्स्ट लेयर जो है एन प्लस हैविली डोप्ड है एमिटर, ये ऊपर उसके कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं। सेकेंड लेयर जो है आपके पास पी टाइप, ये आपके पास बेस है और मॉडरेटली डोप्ड है। और तीसरी लेयर जो आपके पास ये नज़र आ रही है ये इसमें एन रीजन है, ये एन माइनस जो है लाइटली डोप ड्रिफ्ट रीजन है। और लास्ट पे आपके पास ये एन प्लस जो के इस कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, और एन प्लस इज द हाईली डोप्ड एन रीजन। प्रीवियसली हम जब पावर डायोड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने इस ड्रिफ्ट रीजन के बारे में देखा था, टू ब्लॉक दी हाई वोल्टेज वी इंट्रोड्यूस दिस एन माइनस लेयर, ये जो आपके पास ड्रिफ्ट रीजन है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है, और ये प्रेफर्ड इसलिए होता है कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डिवाइस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इस डिवाइस के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। एंड द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस फॉर बीजेटी पावर बीजेटी इज़ लेस देन द मॉसफेट, जो हम आगे बाद में देखेंगे जब पावर मॉसफेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस स्लाइड पे हम बीजेटी की आई वी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे।
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इसकी VCE और IC के दरमियान है। BJT के जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम चार रीजन्स के अंदर देख सकते हैं। एक उसका कट ऑफ रीजन होगा, एक एक्टिव रीजन होगा, एक क्वासी सेचुरेशन रीजन है और एक हार्ड सेचुरेशन रीजन है। पहले हम कट ऑफ रीजन को डिस्कस करते हैं। कट ऑफ रीजन के अंदर हमारे पास ये जो बेस और एमिटर जंक्शन है ये आपके पास रिवर्स बायस होगा, और इसी तरह कलेक्टर बेस जो है ये भी आपके पास रिवर्स बायस्ड होगा। और इस रीजन के अंदर आपके पास आई बी जो है वो देखें ज़ीरो है। जब आपके पास आई बी ज़ीरो है तो आपके पास जो जो कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो कर रही है वो भी ज़ीरो होगी। इस रीजन के अंदर जो है जो BJT है इट इज़ ऑफरिंग लार्ज रेजिस्टेंस टू द करंट, तो इसको हम इक्वल टू ओपन सर्किट कह सकते हैं। आइडियली ये BJT की ऑफ स्टेट होगी। सेकेंड रीजन जो अगर हम देखें तो वो है इसका एक्टिव रीजन, ये वाला। इसके अंदर जो आपके पास बेस एमिटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और ये वाला जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है ये रिवर्स बायस है। दिस एक्टिव रीजन इज़ इसके अंदर हम तब ऑपरेट करते हैं जब डिवाइस को हमने एज एन एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करना हो। और अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करें तो स्विचिंग कन्वर्टर्स के अंदर हम इस एरिया को अवॉइड करते हैं। क्वासी सेचुरेशन रीजन और हार्ड सेचुरेशन रीजन्स वो रीजन्स होंगे जब डिवाइस के अंदर से करंट फ्लो करेगी, मीन्स के जब डिवाइस ऑन स्टेट में होगी। ये जो क्वासी सेचुरेशन रीजन है BJTs के अंदर, पावर BJTs के अंदर जब हम उसको एज अ स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि जब हम BJT को हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे तो हम इसको इसी रीजन के अंदर ऑपरेट करेंगे। और ये जो रीजन एग्जिस्ट करता है दिस इज़ ड्यू टू द लाइटली डोप, जो मैंने आपको ड्रिफ्ट लेयर दिखाई थी पीछे, ये उसकी वजह से होता है। जब हम स्विच को क्वासी सेचुरेशन रीजन के अंदर ऑपरेट कराएंगे तो आप देखें कि इसका जो VCE ड्रॉप है वो ज़्यादा है कंपेयर टू हार्ड सेचुरेशन एरिया, जहाँ पे आपके पास VCE बहुत कम हो जाता है। ऑन स्टेट के अंदर फिर इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड सेचुरेशन में आपके पास पावर लॉस कम होगा बिकॉज VCE इंटू IC कम हो जाएगी। फ़ायदा तो नज़र आ रहा है हमें इधर के हार्ड सेचुरेशन में, उसका जो ऑन स्टेट में लॉस है वो कम होगा, लेकिन जब आप इसको स्विचिंग में इस्तेमाल करेंगे तो जब ये हार्ड सेचुरेशन के अंदर BJT चला जाता है ये डिवाइस टर्न ऑफ टाइम इसका इंक्रीज कर जाता है। सो इट मीन्स कि अगर हम डिवाइस BJT को अगर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इस क्वासी सेचुरेशन रीजन के अंदर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कभी कभी अपने डिवाइस के साथ एक्स्ट्रा सर्किट भी लगाना पड़ता है, क्लैंपिंग नेटवर्क कहते हैं उसको या बैकर क्लैंप कहते हैं। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह हम हार्ड सेचुरेशन को अवॉइड कर सकते हैं BJT को क्वासी सेचुरेशन रीजन के अंदर ऑपरेट कराने के लिए। तो इस आई वी करेक्टरिस्टिक से हम देख रहे हैं कि जब आप इसकी आई बी को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास आई सी इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बेस पे करंट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास आई सी करंट फ्लो करेगा। सो इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो करंट का कंट्रोल होने की वजह से जो अगर देखें तो इसकी बेस जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू मॉसफेट। तो आपके पास जो पावर BJT है उसको ड्राइव करने के लिए समटाइम्स यू नीड 1 एम्पेयर करंट, तो 1 एम्पेयर करंट भी प्रोवाइड करने के लिए वो कंट्रोलर से तो नहीं आप प्रोवाइड कर सकते, तो जो आपके कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो जो है या बेस करंट की जो सर्किटरी होगी उसमें भी आपको एक छोटा पावर ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, फिर उसका बायसिंग नेटवर्क होगा। जूँ जूँ आपका सर्किट का साइज़ इंक्रीज़ करेगा मतलब कि नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बढ़ती चली जाएंगी तो आपकी ये जो ड्राइव रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी बढ़ती चली जाएंगी। आज के लेक्चर में सेकंड स्लाइड पे जिस तरह हमने डिस्कस किया था सेफ ऑपरेटिंग रीजन ऑफ अ डिवाइस, तो इधर हम देखते हैं कि ये जो आपके पास ये कर्व शो किया हुआ है ये आपके पास सेफ ऑपरेटिंग रीजन ऑफ अ BJT है। ये जो आपके पास ए बी रीजन है
ये शो करेगा कि कितनी करंट कितनी डिवाइस के अंदर से करंट गुजर सकती है। बी टू सी रीजन जो है ये उसी तरह पावर लिमिट के बारे में बताएगा। ये जो डी ई लिमिट है ये डिवाइस की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बताएगी। बीजेटी के सेफ ऑपरेटिंग रीजन के अंदर ये जो सी टू डी कर्व है ये वाला एरिया ये सेकेंडरी ब्रेकडाउन रीजन है एंड दिस शोज द फेलियर मोड इन बीजेटी। इस रीजन के अंदर अगर डिवाइस ऑपरेट कर रही है तो करंट और वोल्टेज की वो वाली वैल्यूज होती हैं जिसके ऊपर हो सकता है कि डिवाइस के अंदर हॉटस्पॉट्स जनरेट हो जाएं। हॉटस्पॉट्स का मतलब ये हुआ कि डिवाइस के अंदर हीटिंग होगी, डिवाइस जो है वो फेलियर मोड की तरफ चली जाएगी। हेयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ पावर बीजेटीज के आपके पास स्विच मोड पावर सप्लाईज के अंदर इस्तेमाल होती हैं, आपके पास मोटर ड्राइव्स के अंदर, एसी मोटर स्पीड कंट्रोल के अंदर, इसी तरह जो आपके पास डीसी टू एसी इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और लीनियर जो आपके पास रेगुलेटेड पावर सप्लाईज होती हैं उसके अंदर हम सीरीज पास एलिमेंट के एज अ सीरीज पास ट्रांजिस्टर इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ये ज़्यादा पावर डेसिपेट करेगा और हीट सिंक के साथ इनको लगाएंगे ये जो आपके पास पावर बीजेटीज हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम लिमिटेशन ऑफ बीजेटीज। बीजेटीज हैव लिमिटेड स्विचिंग स्पीड ड्यू टू द कंसिडरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर चार्ज एसोसिएटेड विद एवरी स्विचिंग ऑपरेशन। क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब हम बीजेटी को ऑपरेट करते हैं ऑन स्टेट तो वो हम डीपली सेचुरेशन रीजन में नहीं ऑपरेट करते हैं, हम उसको क्वासी सेचुरेशन रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं। क्वासी सेचुरेशन रीजन में उसकी VCE तो कुछ ज़्यादा होगी बट उसका स्टोरेज टाइम कम हो जाएगा, और उसको हम फिर अगर हम उसको ऑपरेट करें क्वासी सेचुरेशन रीजन के अंदर तो हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीजेटी को जब क्वासी सेचुरेशन रीजन के अंदर ऑपरेट करेंगे तो आप पहले भी मैंने आपको बताया कि आप क्लैंपिंग नेटवर्क जिस तरह बेकर क्लैंप का सर्किट है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा सर्किटरी ऐड हो जाएगी सर्किट के अंदर। तो बीजेटी की दूसरी लिमिटेशन हम ये भी देख रहे हैं कि जब आप क्योंकि इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस तो जब आप उसको ड्राइव करते हैं तो यू नीड एक्स्ट्रा पावर ट्रांजिस्टर जो कि उसके बेस करंट को प्रोवाइड करेगा। तो जब आपके पास सर्किट के अंदर पावर बीजेटीज की तादाद बढ़ जाएगी तो आपका ये जो गेट ड्राइव या बेस ड्राइव नेटवर्क जिसको हम कहेंगे वो भी बल्कि होता चला जाएगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बाइसिंग की जो ज़रूरत होगी वो पावर कनेक्शंस भी आपने लगाने हैं। इसके अलावा जो मेन बीजेटी जो आपके पास पावर बीजेटी का उसको ड्राइव करने के लिए जो एक्स्ट्रा पावर ट्रांजिस्टर लगाएंगे उसकी वजह से भी आपका जो ये है सर्किट बल्कि होता चला जाएगा। बीजेटीज की एक और लिमिटेशन ये है कि दीज आर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट डिवाइसेस और पैरेललिंग ऑफ द डिवाइस इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट डिवाइस का मतलब ये है कि जब आप डिवाइस के अंदर से करंट गुजरेगी तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास क्या होगा कि उसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, और करंट के पाथ में जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा उधर से फ्लो करना शुरू करेगी। अगर आप इस नेटवर्क को नीचे देखें तो अगर आपके पास ये करंट आ रही है इसको आप शेयर करना चाह रहे हैं दो डिवाइसेस के साथ, तो अगर ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है जब करंट यहाँ से गुजरेगी तो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, तो ज़्यादा करंट एक तरफ से फ्लो करना शुरू हो गया, तो पैरेलल ऑपरेशन इन दोनों डिवाइसेस का होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो करंट शेयरिंग के लिए जब हम पैरेललिंग करते हैं डिवाइसेस की तो बीजेटीज की लिमिटेशन ये है कि वी कैन नॉट पुट डिवाइसेस इन पैरेलल ऑपरेशन। नाउ वी विल डिस्कस द पावर मॉस्फेट। पावर मॉस्फेट इज़ अ वेरी पॉपुलर डिवाइस बिकॉज ऑफ इट्स गुड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द पावर मॉस्फेट हैज़ अ हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड सूटेड फॉर अ लो पावर एप्लीकेशन अप टू फ्यू किलोवाट्स।
और स्विचिंग स्पीड जो है इनकी अप टू 100 किलो हर्ट्स की एप्लीकेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर मॉसफेट की जो डिफरेंट आईसीज इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, दो टाइप के आपके पास पावर मॉसफेट्स हैं, पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट्स। और मॉसफेट के आपके पास तीन टर्मिनल हैं, जो इनपुट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है, इसी तरह ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है। फर्स्ट पावर मॉसफेट वॉज फैब्रिकेटेड इन 1970s। इससे पहले जो है वो BJT वॉज वेरी पॉपुलर डिवाइस, फुली कंट्रोल्ड डिवाइस थी। पावर मॉसफेट का स्ट्रक्चर भी जो अगर देखें इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, इसके जो नॉर्मल जो आपके पास मॉसफेट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसके अंदर ये एक ड्रिफ्ट रीजन दिया हुआ है, जो कि इसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी और स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स को बेहतर करता है। और ये जो पावर मॉसफेट है इसको ऑन करने का प्रोसीजर ये है कि ये जो आपके पास VGS नज़र आ रही है, आप ग्रेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करें ग्रेटर देन VTH, तो फिर आपके पास पावर मॉसफेट ऑन हो जाएगा। इसी तरह ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे 0 वोल्टेज हो तो ये जो डिवाइस है ये इजीली ऑफ हो जाएगी। तो पावर मॉसफेट जो है वो जो इसको अगर जो हम इसको कंपेयर करेंगे अगर BJT के साथ, तो BJT वॉज अ करंट कंट्रोल डिवाइस और ये जो पावर मॉसफेट है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है ये वाला, और ये N+ रीजन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह जो आपके पास ये नीचे सबसे ये जो ड्रेन टर्मिनल है ये भी N+ रीजन के साथ कनेक्टेड है। N+ मीन्स के हाईली डोप एन टाइप मटेरियल है। इस तरह अगर हम इस गेट टर्मिनल को देखें तो इस गेट टर्मिनल के नीचे ये जो लेयर है ये ऑक्साइड लेयर है, और इसी ऑक्साइड लेयर की वजह से जो इसका इनपुट साइड है दैट इज कैपेसिटिव इन नेचर। जब आप इस गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस साइड से, तो यहाँ पे इस कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अकोमुलेट हो जाएंगे इस रीजन के अंदर, और इस जगह पे आपके पास एक एन चैनल फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। अब जब आप इस ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से आपके पास क्या होगा, एक पाथ क्रिएट होगा जिस पे आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, तो आपके पास ड्रेन और सोर्स के दरमियान करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, तो इस तरह ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ये आपके पास पावर मॉसफेट की IV करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें देखें आपके पास दो कर्व्स हैं, एक आपके पास जो कर्व है वो VGS और IDS के दरमियान है, और ये जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी ये आपके पास VDS और IDS के दरमियान है। ये जो VGS और IDS के दरमियान कर्व है इसको हम मॉसफेट की ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है जब आप मॉसफेट को एज अ स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन इसका बेसिक फंक्शन जो होगा इज़ टू कंट्रोल द ड्रेन करंट बाय चेंजिंग द गेट वोल्टेज। अगर आप देखें इनिशियली जब आपके पास आप VGS अप्लाई कर रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, लेकिन जब आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर आ गए हैं उसके बाद जो है आपके पास डिवाइस के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन VGS इज़ लेस देन VTH तो आपके पास ID 0 है, और इसी तरह जब आपके पास VGS इज़ ग्रेटर देन VTH तो आपके पास करंट फ्लो कर रही है। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ फॉर दी कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज दैट इज़ VDS। अब अगर हम दूसरे कर्व को देखें यहाँ पे, तो इट हैज़ डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन, जिसके अंदर जिस तरह आपके पास जब डिवाइस ऑफ स्टेट के अंदर होगी व्हेन VGS इज़ लेस देन VTH तो आपके पास ये डिवाइस कट ऑफ रीजन के अंदर ऑपरेट कर रही होगी। इसी तरह व्हेन VGS इज़ ग्रेटर देन VTH तो डिवाइस सेचुरेशन रीजन के अंदर या एक्टिव रीजन के अंदर, जहाँ पे इसको मॉसफेट को हम एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं उस रीजन के अंदर, या फिर ये जब VGS ग्रेटर देन VTH होगी तो ये जिसको ओमिक रीजन कहेंगे उसके अंदर ऑपरेट कर रही होगी। ये जो ओमिक रीजन है ये हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट होगा इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जब हम डिवाइस को ऑन स्टेट के अंदर ऑपरेट करेंगे तो हम इस रीजन के अंदर इसको ऑपरेट करेंगे। इन दिस रीजन द ड्रेन करंट इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द ड्रेन सोर्स वोल्टेज, और मॉसफेट ऑन होगा इन स्टेट के अंदर वेयर VDS इज ग्रेटर देन 0। इस रीजन के अंदर द रेशो बिटवीन द VDS वोल्टेज जो है
to the drain current in this region is called the on-state ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, आर डी एस ऑन कहेंगे उसको। और ये जो आर डी एस ऑन है ये मॉसफेट की डाटा शीट के अंदर गिवन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज के जब आप मॉसफेट के ऑन स्टेट लॉसेस कैलकुलेट करते हैं तो ये आर डी एस ऑन उसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके जो कंडक्शन लॉस होंगे दैट विल बी इक्वल टू आई डी स्क्वेयर इन टू आर डी एस ऑन। तो जब भी हम डिवाइस की सिलेक्शन करेंगे तो हम इस आर डी एस ऑन को पावर मॉसफेट की डाटा शीट में देखेंगे। आगे हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। मॉसफेट्स हैव कंपैरेटिवली हायर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, दैट इज़ आर डी एस ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द डिवाइस क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो आर डी एस ऑन को अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो आपके पास इस पाथ के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है टू द फ्लो ऑफ करंट दैट इज़ फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, तो ये सारी मिल के इक्वल टू आर डी एस ऑन होगी। आर डी एस ऑन इंक्रीजेज विद द ब्लॉकिंग वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डिवाइस। ये स्लाइड में इसकी रेंज दी हुई है कि आर डी एस ऑन जो है वो डिफरेंट रेंज के अंदर, जब भी आप डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डाटा शीट के अंदर आप इस वैल्यू को देखेंगे कि उसकी आर डी एस ऑन क्या है। डाटा शीट के अंदर जो मॉसफेट की है उसके आर डी एस ऑन के टेम्परेचर के साथ इफेक्ट भी शो होते हैं कि आर डी एस ऑन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द डिवाइस। जब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी डिवाइस के अंदर। ये मॉसफेट के स्ट्रक्चर को शो किया गया हुआ है इसके अंदर, एक देखें अगर आप मॉसफेट स्ट्रक्चर के अंदर बिल्ट इन आपके पास एक ट्रांजिस्टर भी पाया जाता है और इसी तरह आपके पास एक डायोड क्रिएट हो जाता है। अगर मॉसफेट के हम सिंबल को देखें तो इसमें भी आपके पास एक हर मॉसफेट के साथ एक एंटी पैरेलल डायोड होगा, बॉडी डायोड कहते हैं इसको, एंड दिस बॉडी डायोड मे बी यूटिलाइज एज अ फ्री व्हीलिंग डायोड फॉर इंडक्टिव लोड्स इन कन्फिग्रेशन, जब आप पढ़ेंगे जो कि हाफ ब्रिज या फुल ब्रिज की कन्फिग्रेशन इन आगे अपने लेक्चर्स के अंदर जब हम इन्वर्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि ये वाला डायोड एज अ फ्री व्हीलिंग डायोड इस्तेमाल हो रहा है व्हेन यू हैव आरएल लोड्स। इस स्लाइड के अंदर हम जो मॉसफेट है उसके सेफ ऑपरेटिंग एरिया को देखेंगे जो कि इस फिगर के अंदर आपको शोन है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट रीजन्स नज़र आ रहे हैं। मॉसफेट के SOA के अंदर आपके पास तीन रीजन्स हैं, जिस तरह BJT के अंदर आपके पास चार रीजन थे, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन रीजन था वो भी था, वो मॉसफेट में नहीं होगा, वो इफेक्ट मॉसफेट के अंदर नहीं होता। इन थ्री रीजन्स को अगर हम देखें तो इसमें पहला रीजन है AB रीजन, के AB रीजन शोज़ द मैक्सिमम ड्रेन करंट विच अ डिवाइस कैन कैरी। इसी तरह आपके पास CD रीजन जो है इट शोज़ द मैक्सिमम VDS दैट अ डिवाइस कैन ब्लॉक, और इस तरह आपके पास ये जो BC रीजन है इसको हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रीजन कहेंगे। तो अगर हम डिवाइस को इस एरिया के अंदर ऑपरेट करेंगे तो डिवाइस सही तरीके से काम करेगी, और अगर इस फिगर को हम जो ये टॉप पे एक और फिगर है अगर हम उसकी गेट साइड पे देखें तो इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस, कैपेसिटिव इन नेचर है। आपके पास अगर हम इसको मॉडल करें तो जो गेट और सोर्स के दरमियान एक कैपेसिटेंस क्रिएट होती है, इसी तरह गेट और ड्रेन के दरमियान जो कैपेसिटेंस क्रिएट होती है, इन दोनों के सम को अगर हम करें तो हम इनपुट कैपेसिटेंस कहेंगे उसकी CI, और ये जो CI है दिस विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, बिकॉज के जिस रेट से हम इन दोनों इस कैपेसिटेंस को चार्ज डिस्चार्ज करेंगे उसी लिहाज से हम उसका ऑन ऑफ कर सकेंगे डिवाइस को। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये मॉसफेट की डाटा शीट के अंदर गिवन होते हैं। जब भी हम किसी डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं तो हम उसके इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं इन द डाटा शीट। अब हम पावर मॉसफेट के अंदर लॉसेस को डिस्कस करेंगे। तो
किसी भी डिवाइस जो स्विचिंग डिवाइस है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो लॉस होते हैं वो चार किस्म के होते हैं। एक उसका कंडक्शन लॉस होगा, फिर जब डिवाइस ऑफ स्टेट में होती है तो वो उस वक्त क्या लॉस होता है, और एक और जो आपके पास इम्पॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस, जब डिवाइस स्विच ऑन होती है, उस स्विच ऑन से स्विच ऑफ जा रही होती है या स्विच ऑफ से स्विच ऑन हो रही होती है, उस टाइम ट्रांजिशंस के अंदर जो लॉस होता है दैट इज़ कॉल्ड स्विचिंग लॉस। तो इन चार लॉसेस को हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें उसके कंडक्शन लॉस की, जब हम मॉसफेट को ऑन करते हैं, जब हम मॉसफेट को जब ऑन करते हैं तो डिवाइस के अंदर से करंट गुजरती है और उसके अंदर एक बिहेवियर जो होता है वो रेजिस्टिव इन नेचर होता है, और जब भी एक रेजिस्टर के अंदर से जब हम करंट को पास करते हैं तो उसका जो लॉस होता है दैट इज़ इक्वल टू ID² इंटू RDS ऑन, जो कि आपके पास ये आ रहा है कि उसकी RMS वैल्यू करंट की उसका स्क्वायर हो जाए और उसको RDS ऑन से मल्टीप्लाई करें, तो तब आपके पास ये कंडक्शन लॉस कैलकुलेट होता है। वेयर RDRMS जो बराबर होगी वो ID ऑन इंटू योर रूट ऑफ द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल आपके पास जो स्विच को जिस रेशियो से आप ऑन कर रहे हैं ये वो होगा, तो ड्यूटी साइकिल इज़ टी ऑन डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम पीरियड। और अगर हम कंडक्शन लॉस की बात करें कंप्लीट, तो फिर आपके पास उसकी ये इक्वेशन है कि ID² इंटू RDS ऑन इंटू डी। जब आपने डिवाइस सेलेक्ट की, अगर आपके पास RDS ऑन की वैल्यू कम है तो आपके पास कंडक्शन लॉस भी कम होगा, और ये डिटरमिन करेगा कि हम डिवाइस के साथ जो हीट सिंक लगाएंगे वो किस टाइप की होगी और कितने साइज़ की होगी। इसी तरह अगर हम दूसरे लॉस की बात करें कि ऑफ स्टेट के अंदर, तो जब डिवाइस ऑफ होती है जो मेन करंट जो आपका ड्रेन टू सोर्स फ्लो नहीं कर रही होती, ओनली लीकेज करंट फ्लो कर रही होती है उस डिवाइस के अंदर, तो उस लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका है कि पावर ऑफ लॉस जो होगा VDS मैक्स जो वो वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है इंटू IDSS दैट इज़ द लीकेज करंट इंटू टी ऑफ बाई टी। अब हम टर्न ऑन स्विचिंग लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब डिवाइस आपकी टर्न ऑन हो रही होती है कि ऑफ स्टेट से जब वो ऑन स्टेट के अंदर जाती है, अगर हम इस कर्व के अंदर देखें तो आपके पास इस रीजन के अंदर डिवाइस ऑफ है क्योंकि आपके पास वोल्टेज लेस देन VTH है और डिवाइस सारी वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है और उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, और ये पी ऑन जो दिखा रहा है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इस VDS की और IDS की। इस रीजन के अंदर भी देखें ये आपके पास पावर जो है वो ज़ीरो आ रही है। अब जब आपने गेट पे सिग्नल अप्लाई किया, जो आपके पास डिवाइस जो है वो क्या करेगी, टर्न ऑन होने की कोशिश करेगी और करंट जो है ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ राइज करेगी, और इट विल टेक सम टाइम जो कि TRI से हमने इधर इसको डिनोट किया हुआ दूसरी फिगर के अंदर। इसी तरह जब आप डिवाइस को ऑन करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक कर रही थी, अब वो वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको ज़ीरो की तरफ जाएगा और इट विल टेक टाइम के वो ज़ीरो की तरफ में पहुंच जाए, जैसे कि इस दूसरी फिगर के अंदर शोन है। और ये जो पावर कर्व इंस्टेंटेनियस वैल्यू से हम निकालेंगे, अगर हम एरिया अंडर दिस कर्व निकालें तो दैट विल बी दी एनर्जी जो डेसिपेट होगी ड्यूरिंग दिस टाइम एंड दैट इज़ कैलकुलेटेड इन दिस इक्वेशन। तो ID ऑन इंटू VDD डिवाइडेड बाई द टोटल ट्रांजिशन टाइम, जिसमें करंट का राइज टाइम है और वोल्टेज का फॉल टाइम है, डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपके पास वो एनर्जी डेसिपेट जो हुई है वो आ जाएगी। और अगर हम इस एनर्जी से जो है वो पावर स्विच ऑन पावर लॉस निकालना चाहें तो उसको हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास भी स्विच ऑन निकल आएगा। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्विच ऑफ लॉस भी देखेंगे। ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ लॉस जो है ये डिपेंडेंट है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिस तरह आपकी ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो हर स्विचिंग टाइम के अंदर ये ट्रांजिशंस आएंगी और आपके पास स्विच ऑन और स्विच ऑफ लॉस जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो टोटल जो आपके पास स्विचिंग लॉस होगा वो पी स्विच ऑन और पी स्विच ऑफ के सम के बराबर होगा, तो वो लॉस आपके पास बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखना है कि जब आप डिवाइस को प्रैक्टिकली किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं
उसकी मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की लिमिट को देखें कि डिवाइस के टेम्परेचर को चेक करते रहें ताकि वो हीट अप ना हो। टर्न ऑफ स्विचिंग लॉस, आपके पास वो लॉस होगा जबकि डिवाइस टर्न ऑफ हो रही है, कि मतलब पहले वो ऑन स्टेट में है, अब वो ऑफ स्टेट की तरफ जा रही है। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो इस रीजन के अंदर जब आपके पास गेट वोल्टेज थी तो आपके पास रेटेड करंट जो है वो फ्लो कर रही है डिवाइस के अंदर से, और जो VDS है वो ज़ीरो है आपके पास, और इसीलिए इस रीजन के अंदर पावर लॉस आपके पास ज़ीरो आ रहा है। अब जब आपके पास गेट सिग्नल रिमूव हो गया या आपके पास ज़ीरो VGS लेस देन VTH है तो डिवाइस अब ऑफ होने की तरफ जाएगी, तो करंट जो है वो इट विल टेक सम टाइम, और वो ज़ीरो पहुंचने तक उसको कुछ टाइम लगेगा। इसी तरह डिवाइस इस टाइम के दरमियान जब वो ऑफ होगी तो वो वोल्टेज को ब्लॉक करेगी, तो इट विल टेक सम टाइम तो VDD के पॉइंट तक वो पहुंच जाए VDS। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी भी कैलकुलेट करें एरिया अंडर दिस कर्व, तो एनर्जी आपके पास आई जाएगी जो उस टाइम के अंदर डेसिपेट होगी, जो कि इस इक्वेशन में आपको दी हुई है, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ तो आपके पास टर्न ऑफ स्विचिंग लॉस निकल आएगा। और देखें ये भी जो है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने इन कुछ प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मॉस्फेट के जो इम्पोर्टेंट वो थी जो पावर लॉस कैलकुलेशन थी वो देखी, तो इसके साथ हमारी जो पावर मॉस्फेट और BJTs की डिस्कशन थी वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर है उसके अंदर फिर IGBTs और बाकी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।